नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं वीरन्ना अर्कसाली सर, जो कि मैसूर से हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। सर, हम जानना चाहते हैं आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ, आप इस फील्ड की ओर कैसे आकर्षित हुए कि आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आप दर्शकों से साझा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते, मैं वीरन्ना अर्कसाली, शिल्पकार और शिल्पकला अकादमी का अध्यक्ष पदवी में सेवा कर रहा हूँ। एक शिल्पकलाविद बनने के लिए उनका परिसर बहुत महत्वपूर्ण है। वो बचपन में माता पिता का साथ, वो गुजरने का वो जो ट्रेडिशन और उनका साथ साथ उनका परंपरा, उनका एनवायरनमेंट बहुत उनका महत्व भूमिका निभाता है इसमें। बचपन में मैं स्केचिंग करता था, फोर्थ स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में। उस वक्त मैं इतना शौकीन था, मेरा पिताजी भी एक बरस जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा है। वो मुझे उनका स्कूल का टीचर्स लोगों को मिलने के लिए, उनका स्कूल दिखाने के लिए मुझे लेके जाते थे। मेरा पिताजी को बहुत ये चिंतित हुआ, ये शिल्पकार बनने के लिए जा रहे, इनका जिंदगी क्या होगा आगे। लेकिन मेरा हटवादी तन मुझे आर्ट कॉलेज ज्वाइन होने के लिए मेरा पिताजी को मजबूर कर दिया। चामराजेंद्र शिल्पकला अकेडमी मैसूर में ज्वाइन किया। इसके बाद मेरा डिज़ाइनिंग एंड फोटोग्राफी में मेरा पदवी मैंने हासिल किया। इसके बाद मेरा बचपन में मैं जो सीखना चाहता था, बनना चाहता था, वो शिल्पकार बनना चाहता था। इसके लिए मैं मास्टर डिग्री में मैंने ज्वाइन किया शिल्पकला चित्रकला परिषद में बेंगलुरु में। तब तक मैं स्टोन, मेटल और वुड सब माध्यम में मैं काम करके स्टेट लेवल और इधर उधर बहुत कुछ प्राइजेस और प्रशस्ति मैंने ले लिया था। इसके लिए मैंने स्कल्पचर में 2 बरस का एक मास्टर डिग्री ब्रॉन्ज स्कल्पचर में किया। उसके बाद में मैं पदवी में मैं फोटोग्राफी सब्सिडरी लिया था। इसके लिए मैंने पालन दारूवाला नाम का एक बहुत बढ़िया मशहूर फोटोग्राफर फ्रॉम कैलिफोर्निया ब्रूक यूनिवर्सिटी में पदवी करके बेंगलोर में एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था वो, उनके साथ मैंने असिस्टेंट प्रोफेशनल होकर ज्वाइन किया। मुझे याद हुआ मैं टीचर बनना चाहता था, मैं कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ। इसके लिए मैंने सोचा 98 में मुझे मेरा कॉलेज जब मैं पढ़ा था चामराजेंद्र दृष्टिकला अकेडमी में, उधर मेरा एक उपन्यासक का पोस्ट खाली था। इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। वो मुझे भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का गुजुर्गों का आशीर्वाद से मुझे उधर उपन्यास का नाम का एक वृत्ति मिल गया। उसके बाद मैंने सोचा था अभी मेरा खाने का रहने का सब बंदोबस्त हो गया, लेकिन अभी मैंने एक शपथ किया, मैंने अभी मैं जो करना है जो मैं फील्ड के करूँगा, मैं मेरा शिल्पकला का साधन के लिए करूँगा। इसके लिए मैंने अराउंड 35 ईयर्स आई सैट एंड वर्क ऑन स्टोन, ब्रॉन्ज एंड सो मैनी मीडियाज इन स्कल्पचर फील्ड। एंड फाइनली इन 2019 में मेरा एक ख्वाहिश था, मैं जब 50 ईयर्स कंप्लीट करूँगा तब तक मेरा एक पर्सनल एक स्कल्पचर का शो बनने के लिए मुझे बहुत उत्साहित था, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो 53 ईयर्स में मेरा एक जहांगीर आर्ट गैलरी का इनविटेशन मिला मुझे। उधर मैंने मेरा कम से कम 30 स्कल्पचर को मैंने बेंगलुरु से मैसूर से लेकर बॉम्बे पहुंचा। उधर मैंने मेरा एक एग्जीबिशन किया जहांगीर आर्ट गैलरी में, वो मुझे बहुत खुशी दिया। मेरा 50 बरस का जो भी मैंने बैठकर काम किया था वो एग्जीबिशन कर सका उधर मेरा। उसके बाद वो मेरा एग्जीबिशन के बारे में अखबार में और इधर उधर थोड़ा सा चर्चित होने के बाद कर्नाटक सरकार ने मुझे 2019 अक्टूबर 15 में मैं मुझे कर्नाटक राज्य के शिल्पकला अकादमी के पदवी से सम्मानित किया। मैं अभी वो अध्यक्ष पदवी से काम की सेवा कर रहा हूँ।
ये मेरा जर्नी है, जो भी मैंने ये किया है, ये निष्पक्षता और डेडिकेशन से काम करने का, ये मिलने का एक पुरस्कार मैंने समझा है। ये मेरा पदवी और जो भी मैं हूँ आज, ये मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ये सब वो फील्ड का डेडिकेशन का काम और कंटिन्यूसली वर्किंग और चिंतन मंथन इससे मिला है। मैं अभी वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। जी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है सर आपकी, और हम जानना चाहते हैं काम शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारियां आप करते हैं, वह करनी चाहिए। ये काम करने का तरीका में दो प्रकार के होते हैं। जब हम छात्र होते हैं, स्टूडेंट लोग होते हैं, तब स्कल्पचर बनने के लिए थोड़ा सा मैकेट्स करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो मैकेट बनने के बाद मैकेट्स को चुन के जो जो चीज़ उसमें अच्छा लगता है वो इकट्ठा करके एक और एक मैकेट, फाइनल मैकेट बनता है। वो मैकेट्स में हम काम शुरू करते हैं। कभी कभी हम लोग कोई कॉन्सेप्ट लेके काम करना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ही एक फॉर्म अच्छा लगने से, वो सुंदरता लगने से वो फॉर्म को डेवलप करते करते चले जाते हैं। जो भी आता है वो स्वीकृति करते 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 आगे चले जाना, वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये होता है, स्टोन भी हमको चुनना पड़ता है, ऐसा ही होना चाहिए, उनका लंबाई चौड़ाई थिकनेस का बारे में वो चुन के हम काम करते हैं। उसमें कभी कभी हम एक टॉपिक लेके उसके बारे में सोच के थोड़ा स्क्रिबलिंग करके हम कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद एक कॉन्सेप्ट मन में आया तो ऐसे ही बैठ के वो एक रियलाइजेशन करके हम काम करते शुरू करते, वो जर्नी करते 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 नया नया दिशा वो स्टोन में दिखने लगता है हमें, वो हम ऐसे काम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर, ये जो ब्लैक स्टोन है ये क्या ग्रेनाइट है? ये ग्रेनाइट नहीं है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, उतना भी सॉफ्ट नहीं है, इतना भी कठिन भी नहीं है। लेकिन मेरा एक काम करने का तरीका है, मैं चिजल में और हथौड़ा से जो काम करता हूँ वो मुझे बहुत कंफर्ट लगता है। काम मेरा एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए, इसके लिए मैं हमेशा, अभी तक मेरा 35 इयर्स में एक्सपीरियंस में, मैं किसी मशीन का यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा टाइम का पाबंदी भी नहीं रहता, इसके लिए मैं हमेशा मैं चिजलिंग और हथौड़ा से काम करता हूँ। दिन भर काम 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 बैठ के काम करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं मशीन यूज़ नहीं करता। जितना भी वो कठिन स्टोन हो मैं हमेशा चिजल और हैमर से भी काम करता हूँ। मैं परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ, जो भी मैं सिंप्लीफाइड काम करता हूँ, मैं कुछ भी करे वो चिजल और हैमर से करता हूँ। जी सर, सर हम जानना चाहते हैं कि जैसे पहले टेक्नोलॉजी थी नहीं और आज के ज़माने में गूगल वर्ल्ड आपके सामने है, तो उसमें क्या स्टूडेंट्स का और जो दूसरे कलाकार मित्र हैं उन लोगों की सोचने समझने में क्या फ़र्क आया है, और आप लोगों के समय में क्या फ़र्क था, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए। जब हम 1985 में शुरू किया पढ़ने का, उस वक्त ये गूगल का ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने टीवी भी नहीं देखा था उस वक्त। लेकिन वो एक तरफ से अच्छा भी है, एक तरफ से गलती भी है हमारा। लेकिन हम बैठ के काम करते थे, बहुत कुछ काम करते थे, और काम करते 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 बहुत कुछ सीखते थे। और अभी दुनिया बदल गया है, गूगल गीगल सब कुछ हम लोगों को मिल रहे, लेकिन हम तो टीचर बोलते थे, हम वो उनका मार्गदर्शन में हम बहुत कुछ स्केचेस और मॉडलिंग का अभ्यास करते थे। उसके बाद साथ ही साथ टीचर से प्रेरणा मिलते थे, टीचर से प्रेरणा मिलना बहुत ज़रूरी है एक छात्र आगे बढ़ाने के लिए, गुरु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, वो मैंने बहुत फील किया है टीचर का। उस वक्त मैं जब भी मैं काम करता था, मेरा गुरुजी वीएम शोलापुरकर जी ने, मेरा कॉलेज का संस्थापक डीन है, वो मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे। हम मेरा स्कल्पचर देख के, तुम करो, तुम कर सकते, ब्रॉन्ज में करो, इसमें करो, उसमें करो। हेनरी मोर का 86 में एक एग्जीबिशन हुआ था इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मेरा गुरुजी ने, वीएम शोलापुरकर जी ने बहुत मुझे प्रोत्साहित करके, उसमें काम करके भेजने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया,
वो काम मद्रास तक जाके एग्जिबिट होके आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा गुरु से प्रेरणा मिलना चाहिए, और एक छात्र को भी एक मन में एक गुरी होना चाहिए, मीन्स ऐसा प्रेरित होके काम करने का बहुत बहुत जरूरी है। हम साधना करना चाहिए, दिल भर वो प्रैक्टिस करने से हमको एक सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल नहीं होता, संतृप्त जीवन आपको मिल सकता है इस कला परिवार में। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की हमसे, और अंत में हम जानना चाहते हैं कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, वह आर्टिस्ट हैं या स्कल्प्टर हैं, इस फील्ड में जो भी लोग आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर किसी छात्र और स्टूडेंट ने किसी क्षेत्र में कुछ साधना करना चाहता है तो पहले वो डेडिकेशन से प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न करने में एक ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करते 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 छोटा छोटा चीज़ में, हमारा परिसर में हो सकता है, मेरा क्लासरूम में हो सकता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट फर्स्ट, एंड देन ही हैज़ टू इम्प्लीमेंट वॉट एवर ही गेट एक्सपीरियंस, देन ही हैज़ टू अप्लाई टू इन हीज वर्क, हाउ ही कैन कन्वर्ट हीज एक्सपीरियंस इन टू विजुअल फॉर्म्स। ऐसा करने से करते करते चले गए तो उनका एक अनुभव को प्रस्तुत करने में बहुत ईजी होता है। जो भी उनका मन में जो क्वेश्चन आता है वो भी उसका आंसर भी दे सकता है। इसके लिए ऐसे ही हमारा अंतःकरण में जो क्वेश्चन पूछना और उनका उत्तर पाना, वो दोनों चलते रहते हैं। इसके लिए वो बहुत डेडिकेशन करने से एक साधना मिलता है, बहुत डेडिकेशन करना है। और स्पेशली इन स्कल्पचर डिपार्टमेंट आई वुड लाइक टू से फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज फॉर अ टाइम बींग, फॉर सम टाइम यू डोंट टच द मशीन्स एट ऑल। ओके, फर्स्ट यू वर्क विथ योर चिजल्स एंड हैमर्स कंटिन्यूसली अराउंड 10-15 ईयर्स, देन आपका एक काम में एक प्रभुत्व आता है, एक एक अंदाजा आता है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक तुम्हारा काम में एक बहुत कुछ सुंदरता आता है। उसके बाद में आप मशीन का हैंडलिंग करके करते करते चले गए तो कोई बात नहीं है। ये मेरा एक अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए एक मेरा बात है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे कलाविद मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक छोटा सा अनुभव मैंने आपके साथ मैंने शेयर किया है, आप भी शायद इसको पसंद करते हैं। मैंने सोचता हूँ आपको भी पसंद करके इसको एक चैनल को प्रिस्क्राइब करें, बेल करें, और तुम्हारा दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके बारे में सोचना और कुछ काम करना शुरू किया तो ये एपिसोड बनने का एक सार्थकता मिल सकता है। नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का, और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक तो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।